सुप्रभात बच्चों, कक्षा छठी की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत का पार्ट एक पुनरावृत्ति मतलब वापस हम रिवीजन करने जा रहे हैं पार्ट एक से, क्योंकि हम उस समय बाद हमारे एग्जाम टेस्ट शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम उसका रिवीजन कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी को अपनी किताबें खोलना है और पेज नंबर 11 निकाले थे, संस्कृत वर्णमाला। सबसे पहले हम संस्कृत वर्णमाला से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम उसका पुनरावृत्ति करेंगे, हम उसको वापस से उसका रिवीजन करके उसका अभ्यास कार्य किस तरह हमें करना है वो देखेंगे। तो वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला भी हिंदी वर्णमाला की तरह होती है, इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इसमें संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। हमने हिंदी में 11 स्वर पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन हैं। स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर में जो छोटे स्वर हैं अ, ई, उ, री और र, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ऋ, और संयुक्त जो होते हैं ए, ऐ, ओ, अ। तो इस तरह से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त जो स्वर हैं वो इसमें दिए हुए हैं। उसी तरह व्यंजन जो इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग में व्यंजन बताए हैं। व्यंजन जिसमें सभी में हलंत लगा हुआ है, मतलब कि उसमें स्वर निकला है, जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, फ, म। इसमें ये म तक, जो क से म तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि वो कंठस्थ, तालव्य, मूर्धा, दंत और होस्ट इनको स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और स, श, स, ह ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अयोगवा होते हैं, अम और अह ये अयोगवा है, ना तो इन्हें स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। अब सभी स्वर जो सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होता है, उनमें मूल रूप से जैसे हम व्यंजन लिखे हैं क, तो क, ख, ये हलंत है, लेकिन अगर हमें इसमें स्वर लगा दिए क प्लस अ, मतलब स्वर लगा है तो ये इस तरह क बन जाएगा। तो इसका व्यंजन में हलंत लगा होता है, इसका मूल रूप यही होता है, और अगर इसमें अ का स्वर का उच्चारण हो जाता है तो इस तरह लिखते हैं। अब दो व्यंजनों को मिलाकर जब एक कर दिया जाता है तो वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे हमने क इसमें प्लस करा श और अ प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा श, क्षत्रिय वाला श। तो श, त्र, य ये व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब हमको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन मालूम होना चाहिए कि वर्ण विच्छेद और वर्णों का संयोजन किस तरह किया जाता है, वर्णों को अलग अलग करना और वर्णों को जोड़ना, ये आना चाहिए। जब किसी शब्द के वर्णों या अक्षरों को अलग कर दिया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और जैसे देव, देव शब्द को अलग करना है तो द प्लस उसमें मात्रा जो लगी रहती है हम उसको लिखेंगे, स्वर को लिखेंगे ए प्लस व प्लस उसमें अ जुड़ा हुआ है इसलिए इस तरह लिखेंगे, तो ये बन जाता है दे। इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद, ये हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करना। तो यहाँ पर बहुत से शब्द आप अपनी बुक में देखेंगे, गीता, तो गीता में भी ये आकारांत शब्द है, जैसे इसमें ग, इसमें हलंत लगाएंगे क्योंकि इसमें से स्वर हटा दिया,
बड़ी ही लगी है, प्लस त इसमें हलंत लगा क्योंकि स्वर हटाया और स्वर को हमने अलग से लिखा है आ, तो गीता। इस तरह पति प उसमें जोड़ा अ, त उसमें ई जोड़ा तो पति, नदी न में रस जोड़ अ, फिर उसमें जोड़ा द, द व्यंजन है इसलिए इसमें अलंत आया है और उसमें मात्रा बड़ी की लगी है तो इस तरह नदी। तो आपको वर्ण उच्छेद और फिर वर्ण का संयोग करना आना चाहिए, जैसे कि अक्षर यहाँ अ प्लस क प्लस श प्लस इसमें अ और र और इसमें अ। अगर ये अलग अलग वर्ण है तो इसको जोड़ना, इसको पढ़कर जोड़ना कि अ इसमें हलंत नहीं लगेगा क्योंकि ये स्वर है। अ अ क श और अ मिलकर कौन सा बना श क्षत्रिय का अक्षर और र में स्वर जुड़ेगा तो र अक्षर। इस तरह वर्णों का संयोजन हमने करा है तो इसको वर्ण संयोजन मतलब कि वर्ण जोड़कर लिखना, इसको हम बोलेंगे वर्ण संयोजन। आपकी किताब में कुछ और उदाहरण है जैसे वर्ण कृपा मात्रा सरलता। तो इस तरह वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन बहुत सारे दिए हैं। अभी हमने इसमें संस्कृत वर्णमाला में अगर वर्णमाला देखें तो इसमें हम अगर प्रश्न बनाकर दे सकते हैं कि आप इसमें स्वर और व्यंजन को अलग करो। बहुत सारे जैसे क श अ न द ई उ प, इस तरह हमने बहुत सारे वर्ण दिए हैं। अब इसमें से आपको स्वर और व्यंजन को अलग करना है। किस तरह आप स्वर को पहचानेंगे, किस तरह व्यंजन को और उसको आपको लिखना है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। वर्णों का संयोजन करना या वर्णों का विच्छेद करना, इस तरह भी आपको अभ्यास कार्य करना है। तो ये वर्ण संयोजन, वर्ण को विच्छेद करना, स्वरों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में, तो व्यंजन भी 35 होते हैं, वर्ण को किस तरह हम अलग अलग कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद किस तरह कर सकते हैं, या अलग अलग जो वर्ण हैं उनको कैसे किस तरह जोड़ा जाता है, इस तरह का आपको अभ्यास कार्य करना है। तो आज हमारा संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। इसका आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करना है, अभ्यास कार्य करना है और जो आगे श्लोक दिए हुए हैं उनको भी, जो प्रार्थना है उसे भी याद करना है, उन श्लोकों को लिखकर याद करना है और उनके अर्थों को भी याद करना है। धन्यवाद।